देश की राजधानी दिल्ली को लेकर जो चौंकाने वाली खबर आई है उसमें बताया गया है कि दिल्ली किस तरह से गैस चैम्बर बन गया है। यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, निर्माण कार्यों, कोयला, गैर पीएनजी उद्योगों पर रोक लगा दी गई है और स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण अति गंभीर स्थिति में पहुंच जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर मौजूदा स्थिति को गैस चैम्बर बताते हुए स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। साथ ही तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इन सभी प्रतिबंधों पर अमल सुनिश्चित करने के लिए कहा है। दिल्ली में 5 नवंबर तक के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इस साल जनवरी की पहली बार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़कर आपात स्थिति में पहुंच गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई, अब उससे भी आगे खतरनाक श्रेणी में पहुंच रही है। हम इसे जन स्वास्थ्य आपातकाल की तरह ले रहे हैं क्योंकि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होगा, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य। इधर मौसम विभाग ने कुछ दिनों में हालात सुधरने की संभावना बताई है, लेकिन तब तक सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया जाए। कुल मिलाकर यह भी कहा गया है कि एनसीआर के सभी शहरों में हॉट मिक्स प्लांट स्टोन थ्रेशर के परिचालन पर भी रोक रहेगी। इन पूरी सर्दियों में पटाखे जलाने पर भी रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण में पंजाब तथा हरियाणा में पराली जलाने से निकले धुएं की हिस्सेदारी 46% तक पहुँच गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।